हाय एवरीबॉडी, जय जनेन, वेलकम टू मॉम डैडीज एक्सो एक्सो। प्रॉमिस नाउ वी हैव रीच्ड कलकत्ता और कलकत्ता में आते अंश अपनी दादी, आई मीन अंश एंड दादी का बॉन्ड देखने लाइक दे आर जस्ट नॉट लाइक लीविंग ईच अदर। नाउ अब कलकत्ता है तो शॉपिंग तो जाएंगे, तो हम पहुंच गए बड़े बाजार में और मम्मी पहुंच गए बड़े बाजार, वी डिड सम शॉपिंग एंड उसके बाद हम घर आ रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम कलकत्ता टू बैंडल, बैंडल में जहाँ पे हमारा हाउस है। एंड ये है मेरा क्यूटेस्ट देवर आकाश, ही इज बीन वेटिंग फॉर अस। लाइक रात के 11 बज के जब हम पहुंचे हैं, ये नेक्स्ट डे का सीन है। अंश एंड दादू आर हैविंग द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। लाइक अंश इज जस्ट नॉट लीविंग दादू, लाइक ओ माई गॉड। लाइक दादू को लगता था जब इंडिया यूएस में थे कि अंश तो हमें भूल जाएगा, अंश हमसे बात नहीं करेगा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सून एज वी रीच होम, अंश और दादू का जो बॉन्ड था वो और भी स्ट्रांग हो गया। दादी के साथ तो अंश काफी बात नहीं करता है फोन पे, दादू के साथ नहीं करता था। अंश इज जस्ट हैविंग हिज बेस्ट टाइम, छोटी दादी, बीच वाली दादी, अंश इज जस्ट एंजॉयिंग सो मच। नाउ हम जा रहे हैं अपने नए घर देखने के लिए। अंश का सबसे मेन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है आम का ट्री, एंड ही इज जस्ट हैविंग फन। ही उसका रूम है, ही इज जस्ट गिविंग मी आइडिया कि उसको क्या क्या करना है। लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली हिज रूम, इट इज अ स्टडी रूम। एंड नाउ अंश को देखो लग रहा है ये यूएस से आया हुआ बंदा है। इस दादी का तो उसने कचूमर कर लिया, ये देखो इसको देखो, मुझे बिंदी लगा रहा है, मुझे क्या कर रहा है, अपने बहुत फन आ रहा है इसको, मतलब कुछ भी करवा लो उसको, सब कुछ में फन आ रहा है। बच्चा सो गया है फाइनली, एंड दादी इज लाइक बच्चे को मच्छर काट के एंड उसको बैंगल ही बना दिया है। नाउ वी आर जस्ट अंश, नाउ देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, लेट्स सी व्हाट द सरप्राइज। ओह अंश का डैडी इज हियर, ओह माय गॉडनेस, अंश इज मीटिंग हिज डैडी आफ्टर लाइक 3 वीक्स। ओह गॉडनेस, देखो इसको देखो, चुपक ही गया, छोड़ ही नहीं रहा है पापा को। नाउ ही इज लाइक गॉडनेस लुक एट दिस। एंड दादी सूरज ने सरप्राइज दिया उसके मम्मा पापा को कि उसने बोला था कि वो एक दिन बाद आने वाले, पर वो पहले आ गया। एंड मम्मी वाज लाइक व्हाट, अभी आ गया? मम्मी तो नहा भी रही थी, वेट भी है, तो मतलब पता ही नहीं उनको। अंश इज लाइक मेरा पेट आ गया, गॉड हुआ। ओहो, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग दादू का बर्थडे, दादू का बर्थडे था, सेलिब्रेट किया। अंश इज लाइक इनटू केक, वो सारा केक खाया जा रहा, खुशी देखो इसकी। तो दादू को भी फाइनली उसने केक खिला दिया एंड पानी में खूब मस्ती कर रहे, खेल रहे। और ऐसा नहीं है यहाँ पे बैंडल में, जब नहाते हैं अंश तो उसके सारे चाचू आस पास होते हैं उसके। अंश को पैम्परिंग होके कोन केक मिल रहा है, ही इज हैविंग फन। अब वो मंदिर आया हुआ है, अंश के साथ एक ही रूल है कि उसको काज करा तो ही शुड विन, otherwise he will cry. such a naughty kid. Jack, मैंने तेरे बोला। देखो, अभी देख ले। कैट होना शुरू कर दिया, तो बहुत कार्टून है अंश तो। अंश की अंश अपनी दादी से खाना खा रहा है, ये देखो अंश के दादू। अंश के दादू आम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, ये हमारे नए घर में आम का पेड़ है और ये आम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी मम्मी अंश की दादी, शी इज गोइंग टू अ किडी पार्टी। अंश इज अगेन डूइंग सम पार्टी, लाइक टुडे, यस्टरडे इट वाज अ छोटी डे एंड टुडे इट इज लाइक अ पार्टी डे। नाउ ही इज कॉलिंग हिज चाचू टू कम एंड जॉइन हिज पार्टी। He is just some or the other day, he's having something or the other, like it's just so funny, he's just making up all those things. Now today is our appointment day for visa, we are going to Calcutta. Suraj is already dressed to Calcutta in the morning. I am going with papa and we are taking a local train. This is Calcutta ka Havra ka local station hai. Uske baad hamara passport ka kaam khatam hua, we went to Bira house. Bira is our friend, he stays with us in US. एंड उसके घर के बाद हम लोग नानी के घर गए, सूरज की नानी का घर कलकत्ता में। देन शाम को हम लोग सब मिलके वहाँ पे एक मॉल है सिटीजन, तो वहाँ पे गए, वी हैड द मोमोज, वी प्लेड गेम्स, इट वाज फन आउटिंग विद द फैमिली, काफ़ी फन किया। एंड उसके बाद शाम को हम एक और मासी सास के घर गए। नाउ नेक्स्ट हमारी फ्लाइट थी इंडी आगरा के लिए, वी केम बैक अगेन टू आगरा बिकॉज सूरज पहले आगरा नहीं आए थे, और मेरी मम्मी का 1234 के जो व्रत होते हैं जन्म में वो उनका अध्यापन था, तो वो आए। एंड अगेन सूरज का वार्म वेलकम हो रहा है, देयर इज अ सॉन्ग दामाद जी अंगना में पराते। सूरज को भी मेरी ऐसी शर्म आ रही है, बट लाइक मेरा इतना स्वागत है तो मुझे इतनी शर्म नहीं आ रही, तो इट्स टोटली फाइन, लाइक बट इट इज फन, लाइक टुक टुक
is seeing and उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्योंकि टुक टुक का तो फर्स्ट टाइम है. दे आर जस्ट हैविंग फन लाइक टुक टुक एंड नाउ वी हैव कम टू मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज अ न्यू रेस्टोरेंट रूफ टॉप आगरा में खुला हुआ है. आई एम विद माई कजन्स बोथ द साइज मतलब ससुराल वाले और मायके वाले. इट वॉज रियली फन इवनिंग विद ऑल द कजन्स. सूरज और मेरे सारे कजन्स थे. वी हैड रियली गुड टाइम विद एवरीबडी. वी डांस वी एट we it was really good time with everybody like and here hamara uber driver meet and Anch oh Shreya hamare sath us din raat ko ruk gayi thi and now Anch is like Shreya maasi aise ko sankalp ko ghar raande leke so for this time jab main Agra gayi to apne friends logo se mili. These are my school friends. I met them after like 16-17 years and it was a nostalgic feeling. It was so good to see everybody after so many years. How people have grown up, how they have changed and evolved. It was so good to see everybody. I feel so good and so blessed. So kal hamare mama ke vrat shuru ho rahe hain 12-14 so uski taiyari chal rahi hai. Ye usse pehle main bua saas ke ghar hone gayi thi and ye mehndi lagayi hai. Mehndi bhi lagti hai function ke liye and like sab log mujhe chhed rahe hain to sharma aa gayi. Panchan papa eating the food at the bhojanalaya and they had a good food. They took to it. इसको देखो गोलगप्पे. इसको गोलगप्पे में मिर्ची नहीं लगती. मतलब आज शुरू हो चुके हैं 12-14 का पहले दिन का है प्रोसेस. पूरा ऐसे बैंड बाजे के साथ काफी सारे ऐसे क्या बोलते कलश जाते हैं मंदिर में. आज तो शाम को सेकेंड डे पे प्रिपरेशन है. स्केट कर रहे हैं तो मैं और सूरज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. बर्थडे आज वे सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे और दीदी के साथ. बड़ा दीदी भारतीय दीदी है जिनको हम बहुत मानते हैं जो माता जी के साथ रहती है. इस तरीके से विधान हमारा लास्ट डे है. खत्म पन हुआ. मम्मी का विधान उनका अच्छे से हो गया हो 1234 के व्रत का उद्घापन. एंड दिस इज माई कजन्स विच इज हैविंग सो मच गुड टाइम विद ऑल माई कजन्स. एंड उसके बाद शाम को वी केम फॉर मैनीक्योर लाइक ऑल द गर्ल्स पार्लर एंड कजन्स लाइक विद ऑल द कजन्स एक्चुअली आई वुड से लाइक. फिर हम लोग सब मिलके डिनर कर रहे हैं. And then Ansh is just getting pampered again with Masis. And now we're just following the Ansh tradition, just hugging family hug. So it was very, very cool. We did a big family hug. It was very nice. Very, very cute as well. And यहाँ पे होता है ना चाबी गुम हो गई. चाबी गुम हो गई तो ये है हमारी शिवी भाभी जो की हमें ताकत लगा के ताला तोड़ने की कोशिश कर दी है. और अब जब उद्घापन हो जाता है तो सारे जो कलश होते हैं मंदिर से वो सारे घर में आते हैं. मैं सो रही थी एक्चुअली. मैं सो के उठी हूँ कि मुझे बोला उठो 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 वीडियो शूट करो. आई एम जस्ट डूइंग दैट. मेरी आधी वीडियो नींद में बन रही है. आई हैव जीरो मेमोरी से क्या हुआ था बट लाइक तो ऐसे कलश है सारे किचन में जाके रख उनको स्थापना कर देते हैं ऐसे. नाउ नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर कलकत्ता क्योंकि कलकत्ता में सूरज का घर है मेरे ससुराल है और वहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन का फंक्शन भी है राइट. तो शिवी इज जॉइनिंग अस. शिवी एंड टुकटुक कमिंग विद अस. हनी विल कम लेटर. फाइनली पहुंच गए और वहाँ पे अंश मिला मेरे चाची चाचू से. उसके चाचू बैंगलोर से फाइनली आ गए थे उसी दिन एक दिन पहले आ गए थे आई थिंक. हम लोग 2-3 दिन बाद आए थे बिकॉज व्रत खत्म होने के बाद मम्मी के. Anch is counting his years because chachu ne usko ye kaam diya hua hai. Anch and Tuk-Tuk we're celebrating Saras ka and Shivi ka birthday. Dono ka birthday ek hi din aata hai which is cool. To hum sab puri family ek sath gather hue humne games khele aur chota sa mini celebration kiya. It was cute, it was fun and chacha hamare chacha ji jo hain hamare bahut creative hain. Unhone ek amazing number game kiya and I lost obviously numbers games hai to hum main to pehle hi 3-4 round mein hi haar gayi thi but it was very old it was really funny. काफी मस्ती करी हम लोग सब खाना खा रहे हैं साथ में लंच. इट वाज सो नाइस टू ईट फूड टुगेदर. शिवी की समीक्षा की डांट पड़ रही है क्यों क्योंकि वो खाना नहीं खा रही है. मम्मी कहती कोई परेशानी है तो बता. ध्यान रखना ये वाली बात कि समीक्षा पे खाना नहीं खा रही. बुआ जी आ गए तो मदनिया खोल रहे हैं. सबको मेहंदी लग गई है कल के इनॉग्रेशन के फंक्शन के लिए. और इसी बीच में अंश आज तो ठीक ही है. कल हम लाइक इसके बाद मेरी और अंश की और सूरज की हम सबकी तबीयत थी खराब एंड इनॉग्रेशन ये. सो नाउ यू सी माय मास्क बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट गिविंग वेल. नाउ वी आर रेडी फॉर इनॉग्रेशन एंड आई एम नॉट इन द वीडियोस. आई एम वेरी वेरी स्टेइंग अवे
तो ये भजन होते हैं, भजन संध्या बोलते हैं शाम को, इनॉग्रेशन के दिन ही शाम को हम लोग भजन संध्या में डांस कर रहे थे, उस पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये शाम को चाची ने आज हमारे लिए सरप्राइज केक अरेंज किया था वेलकम का, विच वॉज वेरी क्यूट। ये देखो समीक्षा को, इसे खाना दाल चावल नहीं खाए जाते हैं, ये सिर्फ केक खाती है। अब इसकी डांट पड़ेगी मम्मी से। और हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, हम लोग सब तैयार हो रहे हैं बिकॉज वी वर डूइंग गोइंग टू डू अ शूट एट होम। एंड उसका शूट का जो वीडियो है, हमें डांस वीडियो शूट किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, प्लीज वॉच इट इफ यू हैवंट वॉच इट। इट वाज सो सो मच फन, लाइक प्रैक्टिसिंग डूइंग इट एंड फाइनल कम आउट वॉज रियली अमेजिंग। एंड नाउ अंशन, so now these are the few cute moments of our family together, and look at this box. Anj goes to dubka ke de diya. Sab kuch bahut mazey aaye. Hum log Chandan Nagar stand pe gaye the. It was good outing. Now aaj hum ja rahe hain. Sab log water park. We are going water park. So yes, we had a good time with family in the water park. काफी सबने काफी काफी मजे किया, पापा मम्मी ने भी बहुत मजे किए। उसके बाद हम लोग आ गए, मम्मी ने कहा मेरी फोटो ले लिया, नाउ मम्मी की फोटो तो लिए, मम्मी तो पूरा एकदम ब्यूटीफुल सा फोटो शूट कराने के लिए रेडी थी। और ये है, हम सबको बहुत भूख लगी थी, नाउ वी केम टू ईट द फूड। के बाद हम लोग रात को शॉपिंग करते हुए बीच में जब पहुंच रहे थे स्टेशन से, मम्मी ने शॉपिंग करी। दिस इज नोन एज टोटो, जिसमें हम बैठे हुए उसको टोटो बोलते हैं, बैंडल में यही चलते हैं। समीक्षा प्रिंस के जाने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग भी निकल गए थे, और ये हम फाइनली कलकत्ता एयरपोर्ट पे हैं। एंड उसके बाद हमने 22 आवर्स की लॉन्ग फ्लाइट ली, एंड नाउ वी आर इन सियाटल। कतार पे हमारा स्टॉप था, यस, एंड दिस इज आवर होम स्वीट होम। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर अस व्हेन वी रीच हियर इज द ट्यूलिप्स, लाइक यू सी दोस ट्यूलिप्स, दोस वर नॉट देयर व्हेन वी लेफ्ट। How beautiful they look. Finally, it feels so good to be back after an amazing journey. We really enjoyed our time. If you like this video, don't forget to give me a like, share, and subscribe. Thank you for watching. It's XO to all of you. Bye bye.